नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं GR चैनल अबाउट एवरीथिंग। आज हम देख रहे हैं कि रात के करीब 3 बज रहे हैं और इतनी रात को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। हम यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन रीत निभाने आए हैं। आज हम एक विशिष्ट प्रकार की छाल एक विशिष्ट प्रकार के वृक्ष से निकालने आए हैं और उस छाल की हम एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का और बहुत ही प्राचीन रीत की हम एक द्रव्य बनाने जा रहे हैं और वो द्रव्य आज को पिया जाता है। और ये छाल रात को ही निकाला जाता है और पारंपरिक रूप से इसे निकालने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पत्थर से वो छाल काट चुका है और अब वो इस वृक्ष की छाल निकाल रहा है। यहाँ पर लोकल भाषा में उस वृक्ष को पाले कहते हैं। इस पाले वृक्ष की छाल को निकाल कर उसका द्रव्य बनाया जाता है, उसे पीस कर। और वो आज के दिन, मतलब आज यहाँ पर इसको ब्रह्म मुहूर्त में पिया जाता है और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वैसे तो ये बहुत ही अत्यंत कड़वा रहता है और इसी दिन केवल उसमें औषधि गुण रहते हैं, नहीं तो साल भर हम पी नहीं सकते इसको। साल भर इसको बहुत ही विषैला माना जाता है, किंतु आज के दिन हम इसको बहुत अच्छी तरह से पी सकते हैं। देखिए, ये वृक्ष आपको कितना दिख रहा मैं नहीं जानता। इस वृक्ष की छाल को, एक विशिष्ट प्रकार का वृक्ष है, उसकी छाल को निकाला जाता है। और बताइए, बंदा निकाल रहा। देखिए, पत्थर से कूट के इसको निकाला जाता है, परंपरागत रीत से निकाला जा रहा है इसको। इसको कोई भी लोहे की कोई भी चीज़ इसको छूनी नहीं चाहिए। तब केवल पत्थर, मतलब नेचुरल चीज से छूकर इस छाल को निकाला जाता है। ये परंपरा है यहाँ की। महीना चल रहा है जिसको आटी कहते हैं और इसी महीने में ये सब किया जाता है। छाल दिखाइए वहाँ। देखिए, पत्थर से कैसे कूट के इसको निकाला जा रहा है। इसमें ऐसी कुछ चीज़ें मिलाई जाएंगी जो घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि इसमें जीरा मिलाया जाएगा, काली मिर्च मिलाई जाएगी। इसको पहले इस छाल को धोया जाएगा, भिगाया जाएगा, फिर पीसा जाएगा। फोन ईयर बंद वाले तो इस छाल को निकाल कर हमने पानी में, वो दिखाइए, पानी में उसको भिगा कर तरह से धोकर साफ करके उसको अब हम
रुग्गल पर डाल रहे हैं, देखिए पत्थर के रुग्गल पर। इसको अब पीसा जाएगा। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इस अमावस्या को ये ब्रह्म मुहूर्त में पिया जाता है। भाई देखो काय दुवाही ओ लो काय दिजी चिंजे।